आंकड़े गड़बड़ी है मतलब नहीं लगता ना। तो पढ़ने वाला नहीं है, हम तो पहले भी कहे थे अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह कर देश में ही जो है जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जातीय जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है पहले हमारे पूर्वज से गलती नहीं है। बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर अभी भी कई लोग हैं बिहार में जो चाह रहे हैं कि कब आपका गठबंधन टूटे, आप लगाए बैठे हैं कि अलायंस कब टूटेगा, इसी सी बातें हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है, जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हों कल्की मर्कज हों आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं और इससे बेचैनी तो होगी क्योंकि अब भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं करेंगे। सर, 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 आप लोगों का देखिए न्याज का बाजार भी चालू रहेगा, सारी बातें पहले आ जाएंगी तो आप लोग बाकी दिन क्या न्यूज दिखाएंगे। लालू जी की एक बात समझ लीजिए, सीट शेयरिंग जो है बिहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अरे जब विधानसभा में 2015 में जब ज्यादा सीटें थी तब बड़े आसानी से कर लिया गया, ये तो 40 सीटों की बात है। तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, दिक्कत वहाँ होने वाला है जो लोग कूद कूद करके गए हैं या जिनको ले गया गया है वहाँ कौन किसको क्या करेगा। पहले आप लोगों को तो उस पर जो है बात करनी चाहिए। गिरिराज, उनकी बातें जो होती है प्रधानमंत्री जी को खुश करने की होती है। अभी तो बातें चल रही है भाजपा में कि दो टर्म से ज्यादा किसी को जो है मौका नहीं मिलेगा, तो उसी फेरा में बहुत ऐसे नेता है जो चाह रहे कि तीसरी बार भी जो टिकट मिले।